निकलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बीएड से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि बीएड के अभ्यर्थी क्या पेपर फर्स्ट यानी 1 to 5 का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इस संदर्भ में एनसीटी का एक गजट नोटिफिकेशन, एक पीडीएफ चारों तरफ वायरल हो रहा है। उसकी क्या है सच्चाई? क्या वो पीडीएफ एनसीटी के साइट पे है? तथा उसमें एक ब्रिज कोर्स का चर्चा किया गया है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। ब्रिज कोर्स है क्या, क्या है उसका सिलेबस, कैसे उसे क्रैक करेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि क्यों बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आखिर कारण क्या है। ये पूरी चर्चा हम करेंगे। आप हमेशा बने रहें हिंदी क्लब के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि क्या ये एनसीटीई के साइट पे वो पीडीएफ है या नहीं है। आपके सामने एनसीटीई का वेबसाइट खुला हुआ है, यहाँ पे हम उस पीडीएफ को देखेंगे और डाउनलोड भी करेंगे ताकि आप भी आसानी से डाउनलोड कर सकें। इसके साथ ही मैं एक और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि बहुत सारे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चलती है, तो उसमें आपका बीएड कॉलेज एनसीटीई द्वारा मान्यता है या नहीं है इससे संबंधित लेटर मांगा जाता है, तो आपको इसी साइट से निकालना है। जैसे अभी बिहार में किस टीचर की चर्चा चल रही है, तो वो एनसीटीई द्वारा मान्यता है या नहीं है इससे संबंधित वो लेटर मांग रहे हैं। अगर मान्यता है तो उसका ऑर्डर लेटर लेके आइए और आप अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा के दें। बहुत सारी जिलों में ये मांगा जा रहा है, तो कहाँ से निकालेंगे? तो आप इसी वेबसाइट से निकालेंगे। लेकिन इसकी चर्चा हमें नहीं करना है, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना था, इसलिए मैंने बता दिया कि आप इसी वेबसाइट पे सर्च करेंगे, निश्चित ही मिल जाएगी। परेशानियाँ होंगी आपको तो निश्चित ही कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने की। लेकिन आज हमारा चर्चा है कि बीएड के अभ्यर्थी क्या 1 to 5 का एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं, उससे संबंधित जो पीडीएफ है क्या एनसीटी के साइट पे है या नहीं है। तो ये रहा एनसीटी का साइट, और इसमें हम देखते हैं वो पीडीएफ है कि नहीं है। एक पीडीएफ आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ये देख सकते हैं, गजट नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2018, इस पर भी क्लिक करेंगे। साथ में और भी गजट देखना चाहते हैं इससे पहले जो आया है उसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे गजट नोटिफिकेशन डेट 23 अगस्त 2010 का भी है, 2011 का भी है, 2014 का भी है, और ये रहा 2018 का, जिसे हम अभी डाउनलोड करके देखेंगे। तो अगर आपको कोई भी गजट का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसे देख के पढ़ सकते हैं, 2011 में क्या चेंजिंग हुआ, फिर 14 में क्या चेंजिंग हुआ, 10 में क्या था, तो आप पढ़ना चाहें तो इस लिंक से पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हमें चर्चा करना है ये गजट नोटिफिकेशन 2018 की, तो इसमें हम क्लिक करते हैं और उस पीडीएफ को आपके सामने लाइव डाउनलोड करते हैं। आपके सामने ये डाउनलोड हो गया, चलिए सूचना को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं और समझते हैं। भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना, नई दिल्ली 28 जून 2018। इस अधिसूचना में जो मुख्य पॉइंट है उसे हम देखेंगे। निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड, यानी ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए तथा इसके साथ ही बीएड होना चाहिए। तो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। यहाँ से आप आराम से सुनिएगा, प्रत्येक पॉइंट को मैं बखूबी अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ प्रश्न उठता है कि ये नोटिफिकेशन आया तो क्यों आया, इसका वजह क्या है? आपने एनआईओएस के बारे में सुना होगा, वो अभी 2 तरह के कोर्स करा रहे हैं, एक डीएलएड का, दूसरा ब्रिज कोर्स का। तो हमें चर्चा करना है ये दूसरा वाले का, यानी ब्रिज कोर्स का। तो वो ब्रिज कोर्स कौन से लोग कर रहे हैं, कौन से शिक्षक कर रहे हैं या कौन से अभ्यर्थी कर रहे हैं? तो आपने सुना होगा या आप जानते होंगे कि जो 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं, जो 1 to 5 में शिक्षक पढ़ा रहे हैं,
और उन्होंने बीएड किया है, यानी बीएड करने के बाद 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं। वहाँ प्राइवेट स्कूल को भी लिया गया है, गवर्नमेंट स्कूल को भी लिया गया, वो पढ़ा रहे हैं। उनको ट्रेनिंग देने के लिए ब्रिज कोर्स की शुरुआत की गई थी और वही लोग ब्रिज कोर्स कर भी रहे हैं। और ब्रिज कोर्स करने के बाद, यानी वो ट्रेनिंग पूरा करने के बाद, वो आराम से उस स्कूल में पढ़ा सकते हैं 1 to 5 को भी। जब गवर्नमेंट ये नया नियम, जो पहले से बीएड किए हुए हैं, जो 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए ला सकती है, तो जो बाद में बीएड किए हुए, ये भी तो हो सकता है बाद में बीएड किए हुए, या ये कारण हो सकता है कि वो अभी तक टीचर नहीं बन पाए हैं, तो उनके लिए भी तो होना चाहिए कि वो भी ब्रिज कोर्स कर लें, ब्रिज कोर्स करने के बाद वो भी 1 to 5 में पढ़ा सके। जब वो पढ़ा सकते हैं, तो ये दूसरे जो बीएड करके बैठे हैं वो क्यों नहीं? बस इसी वजह से, इसी कारण से मेरे ख्याल से आया होगा ये नोटिफिकेशन। तो पहला आपने जाना कि ये क्यों आया। दूसरा प्रश्न कि अगर आप 1 to 5 में पढ़ाना चाहते हैं, क्यों पढ़ाना चाहते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 6 to 8 में बहुत ही कम पद होते हैं, बहुत ही कम पद बचते हैं, और वो लोग फाइट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे सोशल साइंस में अक्सर फाइट होता है, बहुत सारे 2011 बिहार में अभी 2011 के भी सोशल साइंस के बच्चे हुए हैं। तो वो 1 to 5 में जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ सीट बहुत ज़्यादा है, अभी भी बिहार में 75,000 के करीब में है, इसलिए वो 1 to 5 में जाना चाहते हैं। वहाँ सीट खाली है तो उनका अपना जॉब निश्चित हो सके, इसलिए इसकी चर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर आप 1 to 5 में टीचर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको टेट क्वालिफाई करना होगा। इस बार से जो भी टेट आएगा, उसमें इस पॉइंट को जरूर इंक्लूड किया जाएगा, इस क्वालिफिकेशन को जरूर इंक्लूड किया जाएगा। 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड, इसको जरूर इंक्लूड किया जाएगा। जैसे मैं अभी सीटेट आता है, तो मुझे जहाँ तक विश्वास है कि इसको जरूर इंक्लूड किया जाना चाहिए, अब होगा भी। तो आप क्लियर कट ये समझें कि अगर आपको 1 to 5 में जाना है, नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, यानी नियुक्ति होने की बात की जा रही है, ये नहीं बात है कि नियुक्त हो चुके, नियुक्ति होने की बात चल रही है। तो आप जानते हैं कि विदाउट टेट या सीटेट आप टीचर नहीं बन सकते हैं, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी आपको देना होगा। देने के बाद आप टीचर बन सकते हैं 1 to 5 में। एक अभ्यर्थी ने इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा था कि क्या अब हमें 1 to 5 और 6 to 8 दोनों एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा तब हम टीचर बन सकेंगे? जी नहीं, अगर आप 1 to 5 पेपर फर्स्ट क्रैक करते हैं तो 1 to 5 में टीचर बनेंगे, 6 to 8 क्रैक करते हैं यानी पास होते हैं, क्वालिफाई होते हैं, तो 6 to 8 में टीचर बनेंगे। तो मेरे ख्याल से आपके टोटल प्रश्न यहाँ क्लियर हो गए। अब एक प्रश्न बचता है, वो है ब्रिज कोर्स के बारे में। ब्रिज कोर्स में क्या है कि नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर, यानी 2 वर्ष के भीतर आपको ब्रिज कोर्स करना है। तो आपको जानना जरूरी है कि ब्रिज कोर्स क्या होता है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कैसे क्वालिफाई होंगे, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी आपका NIOS के बारे में है, जो आपको डीएलएड ब्रिज कोर्स करा रहा है। इसको एक और नाम से जानते हैं, PDPET। आपका ये कोर्स स्ट्रक्चर है, यानी आपको कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 पढ़ना होगा, जो थ्योरी होगा, और प्रैक्टिकल जो होगा 525, 526, 527 ये पढ़ना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल होगा, एक्टिविटीज़ होगा जो आपको करना पड़ेगा। एग्ज़ाम भी होगा, तो ये थ्योरी होगा और ये प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे। तो चलिए थोड़ा इसको हिंदी में समझ लेते हैं और थोड़ा सा बुक्स जो है उसे भी देख लेते हैं। ब्रिज कोर्स की रूपरेखा, आपके कोर्स का पूरा नाम है
प्रारंभिक शिक्षकों हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम PDPET। इस हेतु कुल 16 क्रेडिट परीक्षा देनी होगी। कुल कितने? तो 16 क्रेडिट परीक्षा देनी होगी। इसमें 10 क्रेडिट का थ्योरी पेपर होगा तथा 6 क्रेडिट का प्रैक्टिकल पेपर होगा। थ्योरी का पर्चा इस प्रकार है, कोर्स कोड 521, प्रारंभिक शिक्षा, संदर्भ कमा सरोकार एवं चुनौतियाँ। कोर्स कोड 522, प्रारंभिक विद्यालयी बच्चों की समझ। कोर्स कोड 523, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। कोर्स कोड 524, विद्यालयी विषयों का शिक्षा शास्त्र। नोट, कोर्स कोड 521, 22, 23 के लिए कुल 6 क्रेडिट निर्धारित हैं, यानी प्रति कोर्स 2 क्रेडिट, यानी इन तीनों के 2 क्रेडिट होंगे, 2-2 क्रेडिट। जबकि कोर्स कोड 524, ये रहा 524, के लिए 4 क्रेडिट आवंटित हैं, यानी इसके 4 क्रेडिट होंगे। इसके बाद प्रैक्टिकल की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल 6 क्रेडिट का प्रैक्टिकल होगा। इसका विवरण इस प्रकार है, कोर्स कोड 525, विद्यालय आधारित क्रियाकलाप। कोर्स कोड 526, कार्यशाला आधारित क्रियाकलाप। कोर्स कोड 527, शिक्षण का अभ्यास। तो ये आपके प्रैक्टिकल होंगे। अब थोड़ा सा अब हम जान लेते हैं इसी में से किसी एक के बारे में, और उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे उसके क्वेश्चन हैं, ताकि आप ये भी जान सकें कि आप उस समय एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे कि नहीं। यानी 1-5 करने के बाद, 1-5 में टीचर बनने के बाद अगर ब्रिज कोर्स आता है तो उसके बारे में थोड़ा सा तो नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि कैसे प्रश्न आते हैं, क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें हम 522 को देखते हैं, एक झलक 522 का देखते हैं, प्रारंभिक विद्यालय विद्यालयी बच्चों की समझ। अगर इसके विषय सूची की बात की जाए तो बच्चा और बचपन की समझ, तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न भी आएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आएंगे। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न अगर हम देखें तो मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, शैशव अवस्था में होने वाले विकास की रेखांकित करें, यानी टोटल साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा इसमें थ्योरी होगा और यूनेस्को के बारे में भी होगा, ये सब रहेंगे, अल्पसंख्यक वगैरह, बाकी सब मतलब अच्छे खासे प्रश्न इसमें होंगे, आप देख सकते हैं आपके सामने हैं। और इसमें अध्याय ये एक है, अगर हम बात करें अध्याय 2 की तो उसे भी एक झलक देख लेते हैं हम लोग। तो अध्याय 2 में अगर देखा जाए तो आपका शैशवावस्था से किशोरावस्था में परिवर्तन होगा। इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, और इसमें मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था के प्रमुख लक्षणों को लिखिए, और किशोरावस्था में किस प्रकार की गलत प्रवृत्तियाँ बढ़ जाती हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, यानी एक तरह से जो साइकोलॉजी है उसी से संबंधित है। तो इसके बारे में हम फिर से कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप टीचर बन जाते हैं तो विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप 1-5 की तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, 6-8 की भी तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मेरे ख्याल से आपके टोटल डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आप उन्हें भी ज़रूर शेयर करें जिनके पास डाउट हैं, ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।